आखिर भारत का ये ऑटो वाला फ्री में आईपैड, लैपटॉप और वाईफाई क्यों देता है? और क्रिकेट का एक ऐसा सीक्रेट नियम जो 95% लोगों को नहीं पता है, और इस आदमी को आखिर $1 million कैसे मिले? अगर जानना है इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, क्रिकेट का ये नियम 100% आपको चौंकाने पर मजबूर कर देगा। किसी भी क्रिकेट मैच में अगर किसी भी फील्डर की परछाई भी पिच पर पड़ जाती है तो वो फील्डर तब तक अपनी परछाई को बिल्कुल भी नहीं हिला सकता जब तक बैट्समैन बॉल न खेले। दोस्तों, क्या आप क्रिकेट का ये हैरान कर देने वाला नियम पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2, इस ऑटो में वाईफाई, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट और यही नहीं आईपैड भी मौजूद। मिलिए चेन्नई की मोस्ट फेमस ऑटो ड्राइवर अन्नादुरई से, जिनको फेमस बनाने में सबसे बड़ा हाथ है उनके खुद के ऑटो का। इनके ऑटो में आपको वो सभी सेवाएं मिल जाएंगी जो कि शायद आपको किसी भी एरोप्लेन में न मिले। इनके ऑटो में आपको 8 से ज्यादा न्यूज़पेपर, 35 से ज्यादा मैगजीन्स, वाईफाई कनेक्टिविटी, 1 TV, 1 लैपटॉप, जूस से भरा 1 रेफ्रिजरेटर, 1 टैबलेट और आईपैड भी मिल जाएगा। अन्नादुरई का मानना है कि ग्राहक भगवान समान है और इसीलिए ग्राहक की जरूरत का हर सामान रखना उनकी जिम्मेदारी और धर्म दोनों है। नंबर 3, लाइसेंसी बंदूक उन बंदूकों को कहते हैं जिनको कोई आदमी लीगल तरीके से लाइसेंस दिखाकर खरीदता है। लेकिन ये चौंका देने वाली बात सुनो कि पूरा भारत में कुल 33,70,000 से भी ज्यादा लाइसेंसी बंदूक, जिनमें से 22,77,000 से ज्यादा बंदूक अकेले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। हम आपको बता दें कि लाइसेंसी बंदूक किसी भी इंसान को सिर्फ इसी शर्त पर दी जाती है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए करेगा। और यूपी में कई लोगों के पास लाइसेंसी बंदूक होने की वजह से आतंकवाद और क्राइम रेट में बहुत कमी आई है। नंबर 4, आज के समय में डिप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम में से एक बन गई है। अगर रिसर्चर्स की माने तो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए 2 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, मेहनत से जिम करने पर डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। दूसरा, अपने पालतू जानवर के साथ खेलकर और समय बिताकर डिप्रेशन को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब, अगर आप अपने दिमाग को हेल्दी और स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो आपको अपने पास कम से कम 1 पालतू जानवर रखना होगा। नंबर 5, फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार अपने देश को साफ सुथरा रखने के लिए और अपने गरीब नागरिकों की मदद करने के लिए नए नए कदम उठाती रहती है। ये बात 2016 की है जब फ्रांस ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके अनुसार फ्रांस के किसी भी सुपरमार्केट, मॉल या दुकान पर खाने पीने की चीजों को फेंकने पर बैन लगा दिया गया। अब फ्रांस का कोई भी सुपरमार्केट किसी भी तरह की खाने पीने की चीजों को कूड़े कचरे में नहीं फेंक सकता, लेकिन सुपरमार्केट अपने खाने पीने की चीजों को फेंकने की जगह गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट सकता है। आप क्या लगता है, क्या भारत में भी ये नियम लागू होना चाहिए? नंबर 6, आपने लिपस्टिक लगाई हुई महिला तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि मछलियां भी लिपस्टिक लगाती हैं? देखिए, रेड लिप बैट फिश नाम के इस मछली को, इस मछली के लिप्स को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इसने भर भर कर लाल लिपस्टिक लगाई हो। आय हाय, इस सुंदर मछली के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, हो सकता है कि आप उन लोगों में से एक हो जो अपने सारे प्रॉब्लम्स और दुखों को कभी किसी भी इंसान के सामने नहीं आने देते। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अंदर से दुखी और परेशान होते हैं लेकिन सबके सामने एक स्माइल के साथ बात करते हैं ताकि किसी को भी भनक न लग पाए कि वो दुखी या सैड है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं? अगर हाँ तो आप भी एक ऐसे डेंटिस्ट हो, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में ऐसे लोगों को ऐसे डेंटिस्ट का नाम दिया जाता है। नंबर 8, भारत के देशवासियों, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको भारत के बारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होगी। हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिस वजह से भारत के पास इतना ज्यादा अनाज मौजूद है कि अगर पूरी दुनिया भूखी मर रही हो तो हम 6 महीने तक पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था तो किसी भी सरकार को फ्री अनाज बांटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नंबर 9, किस्मत वो बला है जो किसी भी आदमी को रातों रात अमीर या रातों रात भिखारी बना सकती है। मोहम्मद बशीर नाम के इस आदमी का चेहरा अच्छे से देख लो, क्योंकि इनकी कहानी जानने के बाद आप भी बोलोगे वाह, किस्मत हो तो ऐसी। बशीर जी इंडिया के केरल राज्य में पैदा हुए, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें सऊदी अरब काम पर जाने पड़ा। बशीर हर 2 साल में 1-2 महीने के लिए अपनी फैमिली से मिलने केरल आते और जब वो काम करने वापस सऊदी अरब जाते तो एक लॉटरी का टिकट जरूर खरीदते। जब बशीर जी 61 साल के हो गए तो उन्होंने अपने काम से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लिया और वापस इंडिया आ गए। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन्हें कंपनी से ऑफर आया कि आप वापस सऊदी अरब आके कंपनी में 1 साल और काम कर सकते हैं। बशीर जी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और जब इस बार वो सऊदी अरब जा रहे थे तो उन्होंने फिर से लॉटरी का टिकट खरीदा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, बशीर जी जिस फ्लाइट से सऊदी अरब जा रहे थे उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि उनकी जान बच गई। इस फ्लाइट एक्सीडेंट की वजह से उनका सऊदी अरब जाना कैंसिल हो गया, लेकिन
लेकिन 6 दिनों बाद जब लॉटरी का टिकट का रिजल्ट आया तो बशीर जी को पता चला कि वो $1 million जीत चुके हैं। उनकी कंपनी के इनविटेशन और फ्लाइट एक्सीडेंट की वजह से आज बशीर लखपति बन गए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।